एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन मैं बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने हम सबको, अरे ये बार बार मुझसे गाने की बात ना करें, बड़ी मुश्किल से गाया ये पूरा गाना हाँ फिर से सुना देंगे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। शुरुआत में उनकी 2004 की डिग्री से करना चाहती हूँ, एफिडेविट से करना चाहती हूँ, जो उन्होंने फाइल की थी, जहाँ पे वो बीए थी। उन्होंने 96 में बीए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। ये बकायदा उनका इलेक्शन का एफिडेविट है। फिर वो ग्रेजुएट हुई 2011 में बीए से, उन्होंने कहा बीए से उनका मन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम बीकॉम की डिग्री बना लें। तो उन्होंने अपना एफिडेविट राज्यसभा में लिखा है, जहाँ पे कहती हैं स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट वन, पर साल बदल जाता है, वो डिसाइड करती हैं कि अब हमें 94 में करना है। फिर आता है 2014, और 2014 में वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो चलता है, वहाँ पे बीकॉम पार्ट वन फिर से कर रही हैं 94 में। फिर उन पे सवाल पूछा जाता है कि आपके एफिडेविट में अलग अलग सवालिया निशान क्यों खड़े हो रहे हैं, तो वो कहती हैं आप मेरी डिग्रियों के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे पास तो येल की डिग्री भी है जो मुझे मिल चुकी है, पर मैं वो अपने एफिडेविट में नहीं लिख रही। तो इस टाइम हमें पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी येल की डिग्री को भी मेंशन करेंगी। येल डिग्री के साथ साथ जो भी उनकी उपलब्धियां हैं पिछले 5 साल में, हो सकता है कुछ पीएचडी कर लिया हो उन्होंने, पर पीएचडी झूठ बोलने में क्या, वो साबित हो चुका है। और वो पीएचडी अब बताता है, क्योंकि आज देश के सामने, और मैं आपको बता दूं 2017 में जब राज्यसभा का वो नॉमिनेशन भर रही थी, वो गुजरात के इलेक्शन कमीशन ने डराया था, धमकाया था, क्या किया था वो इलेक्शन कमीशन ने, अब कुछ दिन पहले ही जैसे ही हमने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने उनका एफिडेविट अपलोड किया है। वरना फाइनली अमेठी के रास्ते से और उसके हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने कबूल किया है कि पिछले 4 एफिडेविट में उन्होंने देश को झूठ बोला है, देश को बरगलाया है, और वो बीकॉम पार्ट वन में भी उन्होंने डिग्री कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। ये देश के सामने एक नई हकीकत और सच्चाई आई है कि कितना झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स रोज देश में करते हैं। और हमें दिक्कत इस बात की नहीं है उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। हमारे देश ने दिखाया है कि 10वीं पास हो 12वीं पास हो, अगर उनके पास विजन हो और मिशन हो, तो देश की तकदीर दिशा दशा बदल सकते हैं। पर गुस्सा इस बात से आता है कि ये मंत्री साहिबा पिछले इतने सालों से गलत एफिडेविट देश के सामने लाए जा रही हैं, इस ये सोचकर कि कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा। और साथ ही साथ मैं यही पूछना चाहती हूं कि अपनी गलत रिकॉर्ड एक लीगल एफिडेविट में डालना, क्या ये ऑफेंस नहीं है सेक्शन 125A के अंतर्गत? और सेक्शन 33 के साथ अगर इसको पढ़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, तो ये एक कानूनी प्रावधान है जहां पे उनको सजा मिल सकती है। तो इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर हाई कोर्ट पे भी पाबंदी लगा देना कि आप लोग उनकी एजुकेशनल डिग्रीज को देश के सामने नहीं रख सकते हैं, मैं मानती हूं ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है। तो क्यों ना
हम यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी से कहें कि मॉरल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कोई मॉरल अथॉरिटी उनमें रह गई है वो स्टेप डाउन करें इमीडिएटली और उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्यों ना माना जाए, जिस तरीके से वो देश को एफिडेविट के माध्यम से बरगलाने का काम अपनी एजुकेशनल डिग्री को लेकर कर रही हैं।